दुनिया भर में भारतवंशियों का डंका बज रहा है। बड़े बड़े पदों पर भारतीय आसीन हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी भारतवंशी हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका का राष्ट्रपति भी कोई भारतवंशी हो। ऐसा कहने के पीछे का कारण यह है कि अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और एक और भारतीय अमेरिकी ने इस राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इस भारतीय अमेरिकी का नाम है हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन सिंह तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिन्होंने आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सबसे पहले आपको आज हम बताएंगे कि आखिर हर्षवर्धन सिंह कौन है और उन्होंने क्यों आने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की, और उनके अलावा दो और लोग कौन है जो पहले ही आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी शख्स हर्षवर्धन सिंह इस दौड़ में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निकी हेली और व्यवसायी विवेक रामास्वामी भी अपने नाम का ऐलान कर चुके हैं। 38 साल के हर्षवर्धन सिंह ने गुरुवार को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपनी दावेदारी की घोषणा की। उन्होंने इस दौरान खुद को एक रिपब्लिकन बताया जिन्होंने 2017 में न्यूजर्सी में रिपब्लिकन पार्टी के कंजर्वेटिव विंग को बहाल करने में मदद की। हर्षवर्धन सिंह ने खुद को एक मात्र अमेरिकी ब्लड उम्मीदवार भी कहा। वो कहते हैं कि कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने हार नहीं मानी और अमेरिकियों के हितों के लिए हमेशा काम किया। हर्षवर्धन सिंह ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में हुए बदलावों को सही करने और अमेरिकी मूल्यों को बहाल करने के लिए हमें मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, इसीलिए मैंने 2024 के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन लेने का फैसला किया। दैनिक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हर्षवर्धन ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर संघीय चुनाव आयोग के पास अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। बता दें कि अपने इस ऐलान के बाद सिंह राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे रिपब्लिकन उम्मीदवारों की उस भीड़ में शामिल हो गए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, न्यूजर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेंसेटिस, पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, विवेक रामास्वामी, निकी हेली, सीनेटर टिम स्कॉट और व्यवसायी और पादरी रयान बिंकले शामिल हैं। अगले साल जुलाई में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को औपचारिक रूप से चुना जाएगा। यह सम्मेलन विस्कॉन्सिन में होने वाला है और 15 से 18 जुलाई तक होगा। हर्षवर्धन सिंह मूल रूप से भारतीय हैं, जिन्होंने साल 2009 में न्यूजर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। पेशे से इंजीनियर 38 साल के सिंह की दिलचस्पी हमेशा से राजनीति में रही। उन्होंने साल 2017 में गवर्नर पद के उम्मीदवार के रूप में न्यूजर्सी की राजनीति में एंट्री ली, हालांकि उन्हें तब सफलता हाथ नहीं लगी। वो सिर्फ 9.8% वोट शेयर हासिल कर दौड़ में तीसरे नंबर पर रहे। साल 2003 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स की ओर से एविएशन एम्बेसडर से उन्हें सम्मानित किया गया। चलिए आपको उन दो और भारतीय अमेरिकी उम्मीदवारों के बारे में भी जानकारी देते हैं जो इससे पहले राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निकी हेली इससे पहले अपनी दावेदारी पेश कर चुकी हैं। हालांकि भारत को लेकर उनके विवादित बयान सामने आते रहते हैं। हाल फिलहाल में पर्यावरण दिवस पर भी उन्होंने भारत को लेकर विवादित बयान दिया था जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल भी किया गया था। आने वाले 2024 के चुनाव के लिए वो भी अपनी दावेदारी पेश कर चुकी हैं। इसके अलावा 37 साल के भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी रिपब्लिकन पार्टी से अपनी दावेदारी आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पेश कर चुके हैं। आपको बता दें कि विवेक रामास्वामी करोड़पति हैं, किताब के लेखक भी हैं और आने वाले वक्त में वो अमेरिका की राजनीति में बदलाव करने की बात करते हैं। आप देखते हैं कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में किसको जीत मिलती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।